अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू रेशूस किचन। आज हम बनाएंगे डोसे का चटनी एंड इडली का चटनी। टमाटो की चटनी बनाएंगे जो डोसा और इडली के लिए यूज़ होएगा। आइए देखते हैं। मैंने ये लंबा लंबा टमाटर काट के लिया है। मैंने 5 बड़ा टमाटर लिया है लंबा लंबा काट के। 3 कांदा काटा है मैंने ऐसे बड़े बड़े स्लाइस में। और मिर्ची, ड्राई ग्रेटेड चिल्ली, सूखा मिर्ची, 1 इंच अदरक और इतना लहसुन। कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें 2 चम्मच तेल ऐड करूँगी। तेल गरम हो जाएगा तो ये सब ऐड कर दूंगी इसमें, मिर्ची, अदरक और लहसुन, ये तीनों इसमें डाल देंगे। और इसको हल्के से भून लेंगे। इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ा से भून गया है, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का भूनना है। अभी इसमें ऐड करेंगे ऑनियन जो मैंने ऐसा लंबा लंबा बड़ा बड़ा काट के रखे हैं। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, बस इसमें ही इसे भूनना है। अभी इसमें ऐड करेंगे टमाटो जो मैंने ऐसे बड़ा बड़ा काट के रखे हैं, ऐड कर देंगे। साथ में इसे नमक ऐड कर रहे हैं तो आपके अनुसार जितना लगता है आपको, और इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अभी टमाटर नरम हो जाने तक, थोड़ा थोड़ा नरम होने तक, हो जाने तक इसे पका लेंगे, ढक कर पका लेंगे इसे 5 से 10 मिनट के लिए। देख सकते हैं आप टमाटर भी गल चुका है अच्छे से, बस इतना ही पकाना है। अभी बंद कर देना इसे और इसे अच्छे से पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तब इसे आप मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखिए मैंने ऐसे पीस लिया पतला सा पेस्ट, पतला पीसने से मेरा पीस के तैयार हो चुका। अभी मैं इसे बगाड़ दूंगी। इसमें 1 चम्मच तेल ऐड करूंगी, 1 से 1.5 चम्मच तेल ऐड करूंगी। तेल जब गर्म हो जाएगा तब, तेल गर्म हो चुका है, अभी इसमें ऐड करूंगी जीरा, राई और उड़द दाल। इसमें करी लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी जो पिसा हुआ है इसमें डाल दीजिए। देखो ऐसे फूट, ये बबल्स होएगा इसमें, तो इसको बंद करके पकाना है। फुल गैस फ्लेम में पकाना है इसे 3-4 मिनट के लिए। जब ये पूरा ज़्यादा बबल हो जाएगा तो मीडियम कर देना है गैस फ्लेम। ये हमारा टमाटर का चटनी बनके तैयार हो चुका है। इसे आप इडली या डोसा के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी रहता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आपके घर पर, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके घर पर कैसा बना और कैसा है ये रेसिपी मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल जाए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यम्मी यम्मी चटनी विद हेल्दी डोसा, वाओ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।